सिंगरौली में 25 और 26 अगस्त को कोविड-19 से बचाव के लिए 2 दिवसीय टीकाकरण का महाअभियान किया जाएगा। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर कोविड-19 का टीका लगवाकर खुद को अपने परिवार को सुरक्षित करें। सिंगरौली में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक जिले भर के नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण का महाअभियान चलेगा। लगभग 250 स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने बताया कि जिसको प्रथम डोज नहीं लगा है वे पहला डोज लगवाएं और जिनके दूसरे डोज का समय आ गया है वे अपना दूसरा डोज लगवा सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग बढ़ चढ़कर इस महाअभियान में पहुंचकर टीकाकरण का लाभ उठाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोविड-19 का सबसे प्रभावी बचाव है टीकाकरण। इसके लिए राज्य शासन के निर्देशानुसार दिनांक 25 एवं 26 अगस्त को टीकाकरण का महाउत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसमें पूरे जिले में 270 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। मेरा उन सभी नागरिकों से अनुरोध है जिन्होंने अपनी अभी अगर फर्स्ट डोज टीके की नहीं लगवाई है तो अपना टीके का फर्स्ट डोज अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर उपस्थित होकर जरूर लगवाएं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने टीकाकरण का प्रथम डोज के उपरांत निर्धारित समय अवधि में टीकाकरण का द्वितीय डोज नहीं लगवाया है, वो भी अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर उपस्थित होकर अपना द्वितीय डोज अवश्य लगवाएं। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।